नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा प्लस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। ध्यान रखिएगा, पुरस्कार साहित्य से जुड़ा हुआ है। पुरस्कार तो हर सेक्टर में दिए जाते हैं, हर विभाग में अलग अलग पुरस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल साहित्य से जुड़ा पुरस्कार है। और साहित्य में भी बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी भाषाएं आती हैं। यहाँ पर ज्यादातर उन्हें फोकस किया जाएगा जिनका संबंध हिंदी भाषा से है। एक एक पुरस्कार कई भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने नाम आएंगे वे ज्यादातर वे नाम आएंगे जिन्होंने हिंदी में पुरस्कार प्राप्त किए। तो पुरस्कार और सम्मान में देखते हैं। पहला पुरस्कार सम्मान जो आपका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी कुछ खास खास बातों को ध्यान में आपको रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 1954 में, यानी आजादी के बाद 1954 में इसकी स्थापना की गई। तब से प्रत्येक वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दी 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। आपको डायरी में ये बात नोट करनी है कि साहित्य से जुड़े समस्त पुरस्कारों में से ये पहला पुरस्कार है जो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। सभी पुरस्कार 22 भाषाओं को दिए जाते हैं। कुछ पुरस्कार केवल और केवल हिंदी को दिए जाते हैं, लेकिन ये पुरस्कार संविधान में दी गई 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। यहां पर हमने कुछ मुख्य विजेताओं के नाम लिख रखे हैं। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने हिंदी में रचनाएं की। एक काव्य संग्रह हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, नाटक हो सकता है। तो इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला पुरस्कार 1955 में हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ये वही रचना हिम तरंगिणी है जिसमें एक कविता थी, पुष्प की अभिलाषा मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। ध्यान रखिएगा, इसी कारण माखनलाल चतुर्वेदी को एक टाइटल नेम दिया गया, एक भारतीय आत्मा। अगला 1955 का पुरस्कार, संस्कृत के 4 अध्याय। ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ चीजें हैं और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह, जिनकर को पुरस्कार दिया गया था। अगला है 1960 में कला और बूढ़ा चांद, यह एक काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कृत किया गया। 1963 में कलम का सिपाही, एक जीवनी है अमृत राय की। ध्यान रखिएगा, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है और प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय, जिन्होंने अपने पिता पर यानी पिता के जीवन पर एक जीवनी परक उपन्यास लिखी है, कलम का सिपाही। 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को पुरस्कार दिया गया है। पारिवारिक उपन्यास लिखने के लिए या पारिवारिक रिश्तों में दरार उत्पन्न होती है, मशहूर है भीष्म साहनी। 1977 में चुका भी हूं नहीं मैं, एक काव्य संग्रह है और इसके लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार दिया गया। शमशेर बहादुर सिंह सेकंड तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया था। 1981 में ताप के तय हुए दिन, यह काव्य संग्रह है, इसके लिए त्रिलोचन शास्त्री को पुरस्कार दिया गया। 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर, यह व्यंग है, हरिशंकर परसाई को पुरस्कृत किया गया। ध्यान रखिएगा, हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार है और व्यंग ही है विकलांग श्रद्धा का दौर। श्रद्धा और विश्वास में कैसे विकलांगता है उसका इसमें बताया गया है। 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग, एक काव्य संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। खूंटियों पर टंगे लोग का मतलब होता है कि कार्यालय में, घरों में खूंटियों पर बड़े बड़े महापुरुष के चित्र तो लगे होते हैं, लेकिन उनका बताया गया जो मार्ग है उस मार्ग पर कोई नहीं चलता। 1991 में मैं भक्त के हूं सामने कविता है, गिरजा कुमार माथुर को दिया गया। 2003 में कितने पाकिस्तान, बहुत ही चर्चित उपन्यास रही है, कमलेश्वर को दिया गया। 2000 ये रचना ही 2000 में आई थी, 3 वर्ष बाद इसे पुरस्कृत किया गया।
2009 में हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह कैलाश वाजपेयी को दिया गया। 2018 में बड़ा चर्चित उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, यह उपन्यास है चित्रा मुदगल को यह पुरस्कार दिया गया। 2019 में चिल्लाते हुए अपने को एक कविता है नंदकिशोर आचार्य की, उन्हें दिया गया। और 2023 में मुझे पहचानो या उपन्यास संजीव कुमार को एक पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आता है आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में से किसी एक भाषा की उत्कृष्ट रचना के लिए हर वर्ष से पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखेंगे सबसे पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 भागों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए मिला था। एक प्रश्न आ चुका है कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी आत्मकथा किस नंबर की है? इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। ध्यान रखिएगा आत्मकथा का पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। इसका सेकंड भाग है नीड़ का निर्माण फिर 1970। तीसरा भाग है बसेरे से दूर 1977। और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 को यह पुरस्कार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। इसके अलावा 2013 में गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया। और 2021 में रामदर्श मिश्र को मैं तो यहां हूं यह कविता संग्रह है, एक कविता है, इसके लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला सम्मान व्यास सम्मान। व्यास सम्मान पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यानी सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार के क्षेत्र में, और सेकेंड नंबर पे आपका आता है व्यास सम्मान। स्थापना 1991 और संस्थापक है के बिड़ला फाउंडेशन। इसके जो मुख्य विजेता है 1991 ईस्वी में पहला पुरस्कार था भारत में भाषा और भाषा परिवार और हिंदी, यह एक आलोचना है। रामविलास शर्मा जी को यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? रामविलास शर्मा को। 1993 में मैं वक्त के हूं सामने, यह कविता संग्रह गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया। 1998 में आया 5 आंगनों वाला घर, यह उपन्यास है गोविंद मिश्र का। यानी घर में एक आंगन होता है, घर में 5 आंगन क्यों हुए, परिवार में जो बंटवारा होता है उस त्रासदी को दिखाया गया है। 1999 में विश्राम प्रकाशन उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल को दिया गया। 2004 में कठगुलाब के लिए मृदुला गर्ग को पुरस्कृत किया गया। 2007 में समय सरगम कृष्णा सोबती को दिया गया। 2019 में एक पुरस्कार दिया कागज की नाव उपन्यास नासिरा शर्मा को। 2021 में महाबली असगर वजाहत को दिया गया। और 2022 में पागलखाना ज्ञान चतुर्वेदी को। 2003 में यादें यादें और यादें, ध्यान रखिएगा ये रचना का सही नाम है यादें यादें और यादें, एक महत्वपूर्ण रचना है, क्या है, संस्मरण है, पुष्पा भारती को ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आता है आपका भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान क्या है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यह सबसे बड़ा सम्मान है। वे सम्मान जो आप अभी पढ़ रहे थे वो राष्ट्र स्तर के हैं, ये राज्य स्तर का है। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान लखनऊ के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1982 में महादेवी वर्मा को, 2005 में डॉक्टर नामवर सिंह को, 2012 में गोपाल दास नीरज लखनऊ के निवासी थे और बहुत ही बड़े कवि और गीतकार रहे हैं, बड़े चर्चित गीत इन्होंने लिखा है। 2018 में उषा किरण खान, 2019 में डॉक्टर सूर्यवाला, 2020 पांडे शशि भूषण सीतांशु और 2021 में डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया। सलाका सम्मान जो है हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से दिया जाता है।
जैसे आप ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार ये सम्मान लखनऊ के द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार ये सम्मान भारत सरकार की ओर से ये दिल्ली अकादमी के द्वारा दिया जाता है, या सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसके मुख्य विजेता है 1986-87 डॉक्टर रामविलास शर्मा, 1987-88 विष्णु प्रभाकर, 1997-98 निर्मल वर्मा, 1999-2000 भीष्म साहनी और 2002-2003 कमलेश्वर, 2003-2004 राजेंद्र यादव, 2006-2007 में मन्नू भंडारी, 2008-09 में केदारनाथ सिंह। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सम्मान ठुकरा दिया था, बड़ा चर्चा का विषय रहा, सम्मान वापस कर दिया था। सम्मान पाना बड़े सम्मान की बात है, और उसे वापस करना थे। 2017-18 में जावेद अख्तर को दिया गया था, और 2021 में श्री कृपा शंकर मिश्र को, और 2022 में ये पुरस्कार चित्रा मुदगल को दिया गया था। इसके बाद आता मंगला प्रसाद पारितोषिक। ध्यान रखिएगा, पुरस्कार और पारितोषिक में अंतर होता है। पारितोषिक एक प्रकार से प्रतियोगिता में जैसे प्राप्त कर पाना, ऐसी चीजें होती हैं, और पुरस्कार एक स्वैच्छिक रूप से संस्था द्वारा दिया जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1923 में इसकी स्थापना की थी, सबसे पुरानी स्थापना है। उस समय प्रयागराज, काशी, कन्नौज, मथुरा ये साहित्य के बड़े केंद्र थे, जिसमें प्रयागराज का विशेष स्थान था। 2023 में पुरस्कार जो है पदम सिंह शर्मा को बिहारी सत्सई पर संजीवनी भाष्य के लिए दिया गया था। संजीवनी भाष्य बिहारी की सत्सई को इन्होंने व्याख्यायित किया था। 1937 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा को प्रिय प्रवास के लिए दिया गया। 1937 में मैथिली सरगुप्त को साकेत महाकाव्य के लिए दिया गया। 1938 में जयशंकर प्रसाद को कामायनी महाकाव्य के लिए दिया गया। 1938 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि एक निबंध संग्रह के लिए दिया गया। 1944 में महादेवी वर्मा को यामा एक काव्य संग्रह के लिए दिया गया, जिसमें सबसे ध्यान आपको रखना है प्रिय प्रवास का और यामा का। 1976 में यशपाल की रचना झूठा सच, 2006 में मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया कस्तूरी कुंडल बसे, और यहां पर विशेष ध्यान रखना है 2007 से यह पारितोषिक बंद है, यानी 2007 के बाद यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। इसके बाद आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा सम्मान है तो वो सम्मान है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। या आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। 1982 ईस्वी तक यह पुरस्कार किसी एक रचना के लिए दिया जाता था। क्या ध्यान रखने बात है कि 1982 तक किसी साहित्यकार को उसी केवल एक रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद में यह पुरस्कार उनके संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया जाने लगा। सबसे पहला पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, क्योंकि 22 भाषाएं हैं, हर भाषा के लिए दिया जाता है, ये पहले विजेता रहे इसके। 1968 में सुमित्रा पंत को चिदंबरा के लिए, 1972 रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए, 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार किसको मिला था, अज्ञेय साहब को मिला था। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए, 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, अब यहां संपूर्ण साहित्य शुरू हो गया। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य, 2017 कृष्णा सोबती संपूर्ण साहित्य, 2023 राम भद्राचार्य को दिया गया था संस्कृत साहित्य के लिए, और इसी समय गुलजार साहब को भी दिया गया था, उनके चूंकि वो कवि हैं और गीतकार हैं तो गीत के क्षेत्र में उनको दिया गया था
यहां आप नाम लिख भी सकते हो गुलजार। गीतकार हैं, को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आजकल परीक्षाओं में पुरस्कार से जुड़ी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर विशेष नजर रखनी है, इनको स्मरण करना है, याद करना है कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया। हो सकता सन आपसे ना पूछा जाए, लेकिन कौन सा पुरस्कार किसे मिला या नहीं मिला ये जरूर पूछा जाएगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।